Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, today we are starting with RBI regulatory body. Yes friends, हम एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं. मॉडल्स में आप देख सकते हो, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी. यस गाइस, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझेगा फटाफट एकदम. यस, आप सबको तो मालूम ही होगा गाइस, हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक हम किसको बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं. तो अब एक बेसिक बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में. गाइस, आप स्क्रीन पे दो तीन चीज आपको नहीं दिखेगी, बट जनरली मैं बात कर लेता हूं. गाइस, हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है. हमारी कंट्री में भी सेंट्रल बैंक है, उसको बोलते हैं हम लोग आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है सर. आरबीआई का एक्ट बना 1934 में, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में. तो गाइस, हमारी कंट्री में जितनी बैंक है, सबको रेगुलेट करने का पावर किसको दे दिया गया है? आरबीआई को. इसको बोला जाता है अपेक्स बैंक, टॉप का अपेक्स बैंक. जितनी बैंक है, सबको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा. तो गाइस, ये टॉपिक में हम लोग यही बात करने जा रहे, रेगुलेटरी बॉडी. टॉपिक का नाम ही देखो ना, आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी. यस, बिकॉज कंट्री में आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक. हमारी कंट्री में जो भी बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट, सुपरविजन, सब किसके कंट्रोल में? आरबीआई के कंट्रोल में आता है. सर, आरबीआई के कुछ काम से आप स्क्रीन पे देख सकते हो. हमारी कंट्री में आरबीआई का क्या काम है गाइस? आरबीआई का काम है इश्यू ऑफ करेंसी नोट, नोट इश्यू करना. करेंसी नोट को इश्यू कौन करता है गाइस? आरबीआई. नोटबंदी आपने फैसला देखा था, वो भी तो आरबीआई ने किया ना सर. भले मोदी साहब ने किया, बट पीछे तो आरबीआई था ना. यस, हमारी कंट्री में जो भी करेंसी नोट इशू करेगा आरबीआई, उसको रेगुलेट करने का, करेंसी नोट को रेगुलेट करने का काम भी कौन करेगा? आरबीआई. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर कौन? आरबीआई. सही बात है ना. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बैंक कहां पे, खाते कहां पे होते? आरबीआई के पास होते हैं उनके, राइट? हाँ सर, नॉर्मल पब्लिक का आरबीआई में कोई कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई. हाँ, मार्केट में जितनी कॉमर्शियल आप बैंक देखते हो गाइस, वो सबको, उस सबका बैंकर्स बैंक कौन है? आरबीआई. ठीक है गाइस, आरबीआई बहुत कुछ करता है कॉमर्शियल बैंक के लिए, जैसे कि बिल डिस्काउंटिंग का भी काम करता है, री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी करता है आरबीआई फॉर द कॉमर्शियल बैंक. आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, बैंक रेट डिसाइड करता है. आरबीआई सीआरआर एसएलआर बहुत कुछ करता है सर. आप आरबीआई देखा जाए तो गाइज, अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है जिसको, या जिसको ब्रांच ओपन करने, नया ब्रांच ओपन करना है, नया कुछ एक्टिविटी करना है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा. विदाउट परमिशन आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. और आरबीआई इज अ सुप्रीम अथॉरिटी. आरबीआई चाहे तो कोई भी बैंक को बुक्स के इंस्पेक्शन कर सकता है, पावर है उसके पास, इंस्पेक्ट एनी बैंक. इसे हम लोग गाइस इसको बोलते हैं आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी. नोट इशू करता है, उसको मैनेज करता है कंट्री में पैसे के लिए, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बोली जाती है, पैसे की पॉलिसी बनाने का काम भी आरबीआई करेगा. मतलब सब कुछ आरबीआई का कंट्रोल है. इसको हम लोग इसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी गाइस. वेरी क्लियर है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज ई कीड़ा. थैंक यू सो मच.